हेलो स्टूडेंट, इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी आर डिस्कसिंग द फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आर प्रेजेंस, it produce a magnetic field, and this magnetic force produce is displace the electric conductor. Okay, so in this rules we are using the Fleming Lefferts rule. In this we are considering thumb as a force, first finger we are considering, forefinger or first finger because we are considering magnetic field, and central finger we are considering the electric current. Okay, so with the help of Fleming Lefferts rule we can find out the direction of a magnetic field, electric current and force. We can decide the direction. Okay, so now we are discussing the practical application of this, okay, where practically this should be applied. Okay, so very first practical application of magnetic field and electricity, okay, is electric motor, okay, which we are using each and every places in our houses, in industry, in toys, okay, in so many electronic instruments we are using a electric motor. So this electric motor is work on this principle. In electric motor magnetic field are present, we are passing the electric current, so because of this electric current magnetic force should be produced, and this force is applied on electric conductor, and this electric conductor is rotated, and through this we can create the, convert the electrical energy into mechanical energy. Okay, so we will understand the detail about the electric motor. Okay, so electric motor is a rotating device. Electric motor is a rotating device, okay, which convert electrical energy into mechanical energy. It convert electrical energy into mechanical energy. Electric motor एक rotating device है जो कौन से working principle पे work करता है, it convert the electrical energy into mechanical energy. Okay, so let us draw the diagram of electric motor. Okay, तो electric motor कैसे होता है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, ठीक है. सो वी आर कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इनके इनसाइड में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक कॉइल होती है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ए बी सी और डी. ऐसी एक कॉइल होती है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, और ये कॉइल है, इसके साथ यहाँ पे जो है वह एक्सेल फिट किया जाता है, ठीक है. दिस इज नथिंग बट ए कॉइल, ओके, दिस इज नथिंग बट एक्सेल, ओके, और एक्सेल होता है, और एक्सेल के साथ ये जो कॉइल है वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है एक स्प्लिट रिंग. यहाँ पे होता है स्प्लिट रिंग, जिसको हम बोलेंगे पी एन क्यू, ओके, जे स्प्लिट रिंग है, और यहां पे इनके साथ जो है, ठीक है, ब्रश होते हैं, दो ब्रश है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जिसके साथ ये है कॉइल कनेक्ट होती है, जिसको हम बोलेंगे एक्स और वाई. ओके, सो एक्स और वाई इज द ब्रश. अब ये जो ब्रश है एक्स और वाई, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है. एक्स और वाई जो ये ब्रश है
उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे जो बैटरी है इनके साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है कि उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर एक कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉइल होती है। ठीक है, और कॉइल के साथ एक्सेल जुड़ी होती है, और एक्सेल है उसके साथ दो स्प्लिट रिंग होती है, पी और क्यू जिसको यहाँ पे हमने इंडिकेट किया, और स्प्लिट रिंग के साथ दो ब्रश होता है, एक्स और वाई जो फिक्स है, और जो ब्रश है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है इनका कंस्ट्रक्शन कि इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉइल, कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉइल ए बी सी डी। ओके, क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉपर वायर इंसुलेटेड कोयल, कॉपर वायर की एक कोयल है जो इंसुलेटेड वायर होता है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है ए बी सी डी। और अब ये कोयल को कैसे रखना है इनके अंदर, सो द कोयल ओके प्लेस इनसाइड द मैग्नेट सच दैट द आर्म ए बी एंड सी डी ऑफ कॉइल आर परपेंडिक्यूलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसको जो ए और बी, ए बी और सी डी आर्म है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेट है वो है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ए बी और सी डी जो आर्म कॉइल का है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे हमें कॉइल को प्लेस करना है। ठीक है, अब क्या करना है, कॉइल के जो दो एंड है, ठीक है, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हॉल्स पी एन क्यू ऑफ ए स्प्लिट रिंग, ये जो कॉइल है उसके दो दो एंड है उनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, स्प्लिट रिंग पी और क्यू के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, द एंड ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड विथ टू हॉल्स पी एन क्यू ऑफ स्प्लिट रिंग। ठीक है, दो हाल है मतलब सेमी सर्कल है, ये पी और की क्यू यहां पे जो है हमने दिखाया है स्प्लिट रिंग है। ठीक है, ये कैसा है, ऐसा है। ठीक है, सेमी सर्कुलर ये है। ठीक है, जिसको हमने बोला स्प्लिट रिंग। ओके, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द टू हॉल्स पी एंड क्यू ऑफ ए स्प्लिट रिंग। ओके, अब स्प्लिट रिंग में क्या होता है, द इनर साइड ऑफ दिस हॉल्स आर इंसुलेटेड, द इनर साइड ऑफ दिस हॉल्स और दिस रिंग्स आर इंसुलेटेड एंड ओके, इनर पार्ट जो है ये रिंग है इनका अंदर का जो पोर्शन है वो कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है एंड अटैच टू द एक्सेल, एक्सेल के साथ है वो अटैच होता है, क्योंकि मोटर का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इनके साथ एक्सेल जो होता है वो एक्सेल रोटेट करेंगे और वह एक्सेल के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जोड़कर हम मैकेनिकल एनर्जी में उनको
कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो इनसाइड दिस स्प्लिट रिंग जो है उसका इनर पोर्शन है वो इंसुलेटेड होता है और वो एक्सल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो स्प्लिट रिंग का आउटर पोर्शन क्या है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ स्प्लिट रिंग, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एड्स ऑफ स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड विथ टू फिक्स ब्रशेस एक्स एंड वाई, टू फिक्स ब्रशेस एक्स एंड वाई। ये जो है स्प्लिट रिंग है उसके जो है बाहर का जो पोर्शन है एक्सटर्नल एंड है जो कंडक्टिंग है, वहां पे इंसुलेशन नहीं है, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हम कर सकते हैं, तो वो दो ब्रश है एक्स और वाई उनके साथ वो कनेक्ट है। ठीक है, एंड द ब्रशेस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विथ टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, इट्स कनेक्टेड विथ टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो एक्स एंड वाई है वो बैटरी के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, जहां से हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है वो मोटर को दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फिर से हम वापस इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है तो इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसके इनसाइड क्या होता है, स्ट्रांग मैग्नेट होता है, और स्ट्रांग मैग्नेट है इसके अंदर कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉइल होती है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है ए बी सी डी। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई कि इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉइल ए बी सी डी। अब ये कॉइल को कैसे प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो कॉइल जो है उसका जो आर्म ए बी और सी डी आर्म है वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होगा उसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब द कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेट सच दैट आर्म ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब कॉइल के जो दो एंड है वो दो एंड यहाँ पे टू हाल्फ सेमी सर्कुलर रिंग है, स्प्लिट रिंग, जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसलिए उनको स्प्लिट रिंग बोला गया है। ठीक है, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द टू हाल्व्स पी एंड क्यू ऑफ स्प्लिट रिंग। ओके, एंड द इनर साइड ऑफ दिस हाल्व्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू द एक्सेल। तो ये जो स्प्लिट रिंग है इसका इनर पोर्शन है वो इंसुलेटेड है और उनको एक्सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, एंड द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एड्स ऑफ ए स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड विद द टू फिक्स ब्रशेस एक्स एंड वाई। ये बाहर का जो कंडक्टिंग पोर्शन है एक्सटर्नल पार्ट है स्प्लिट रिंग का, वो दो ब्रश एक्स और वाई के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और इन द ब्रशेस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। एक्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, वाई है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट होके ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर है वो बनता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, अब हमें देखना है इसका वर्किंग, इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क कैसे करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये कॉइल है, यहाँ पे बैटरी है, अब यहाँ पे हम पावर सप्लाई को स्टार्ट करते हैं और कैसे वर्क फंक्शन होता है वो वर्क फंक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, सो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग कैसे होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, सो करंट है कॉइल में हम पास करेंगे, तो यहाँ पे करंट है वो एक्स है और एक्स और पी के साथ कनेक्ट है, तो पी से जो करंट पास होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ए बी सी और डी डायरेक्शन में, ऐसे करंट पास होगा। यहां से करंट जा रहा है आई,
ठीक है, तो करंट यहाँ पे पास हो रहा है ऐसे और यहाँ पे करंट है वो वापस आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वर्किंग द करंट इन द कॉइल ए बी सी डी एंटर फ्रॉम द बैटरी थ्रू ए कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश वाई। ओके, क्या दिया है, किस प्रकार दिया है, द करंट इन कॉइल ए बी सी डी एंटर थ्रू ब्रश एक्स एंड फ्लो बैक थ्रू ब्रश वाई। ठीक है, यहां से जो करंट है वो करंट पास हो रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहां से करंट है वो कैसे डायरेक्शन में जाएगा, ए बी बी सी सी डी और यहां पे वाई के पास वो वापस आ जाएगा करंट, ठीक है। सो करंट इन द कॉइल ए बी सी डी एंटर्स फ्रॉम द बैटरी थ्रू कंडक्टिंग वायर, ओके, ब्रश एक्स एंड इट बैक फ्लो थ्रू द ब्रश वाई। तो अब इसमें कैसे पास होगा, द करंट इन द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल इज फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड सी डी इज फ्लो फ्रॉम सी टू डी। कैसे करंट फ्लो रहा है, द करंट इन कॉइल ए बी सी डी, ओके, इट फ्लो इन आर्म ए बी, ओके, ए बी फ्रॉम ए टू बी एंड आर्म सी डी फ्रॉम सी टू डी। करंट कैसे फ्लो रहा है, आर्म ए बी है उसमें ए टू बी फ्लो रहा है और सी डी है उसमें सी टू डी है वो करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंस था, हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया, तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अब मैग्नेटिक जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या है और वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है ए बी और सी डी उस पर कैसे अप्लाई होगा वो हमें देखना है, ठीक है। सो ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसकी डिरेक्शन डिसाइड करने के लिए, ठीक है, हम यहां पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंस है यहां पे मैग्नेट की वजह से और यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके लिए यहाँ पे हम फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है वो रूल को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये रूल अप्लाई करेंगे उससे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें तीनों चीजों को देखना है और उसके वर्किंग है, वर्किंग को हमें समझना है, ठीक है, कैसे वर्किंग होगा उसको हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, पहली चीज जो है कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई ये जो था हमारे पास सॉरी यही फिगर को हटा देते हैं और यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉइल है,
ठीक है, ए बी सी और डी। अब इनके साथ एक्सेल कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इनके साथ हम स्प्लिटरिंग दिया हुआ है पी एंड क्यू, इनके साथ यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है एक्स एंड वाई, अब इनके साथ हमारा बैटरी कनेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत में ऐसे करंट पास हो रहा है, ये पहली बात हुई। ठीक है, सो क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, और करंट की डायरेक्शन क्या है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी। करंट कैसे फ्लो रहा है, ए टू बी और सी टू डी करंट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन ए टू बी है, और यहाँ पे जो करंट इनकी डायरेक्शन है वो सी टू डी है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, ओके ओके, सो द फोर्स एक्ट ऑन आर्म ए बी, ऑन आर्म ए बी इन डाउनवर्ड एंड ऑन आर्म सी डी इन अपवर्ड डिरेक्शन। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स कैसे लगेगा, जो ए बी है उसमें डाउनवर्ड में लगेगा, और सी डी है उसमें फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा। ऐसा कैसे होगा, तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि यहाँ पे ये जो है ये ए बी हुआ, ठीक है, दिस इज द डिरेक्शन ऑफ करंट ए बी, और यहाँ पे है ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब लेफ्ट हैंड रूल को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या दिया है कि ये फोर फिंगर है वो किसको इंडिकेशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को होना चाहिए, और ये जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको होना चाहिए, करंट। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया, ये करंट आया, तो हमें कैसे लगेगा, ऐसे। तो यहाँ पे जो ये है वो ऐसे है, ओके, ये क्या है हमारा करंट, ए टू बी जा रहा है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड थंब रूल को हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये क्या आएगा, करंट। तो आप देखिए थंब कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा ए बी पे वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ए बी पे फोर्स लगेगा जो है वो। ठीक है, अब सी डी में हम कंसीडर करते हैं, तो सी डी में अभी क्या होगा, सी डी जो है वहां पे अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, वो सी टू डी हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो तो सेम डायरेक्शन में है। अब इसमें देखते तो क्या आता है, ठीक है, ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन सेम रही है, करंट है सी डी ऐसे है, तो इसमें सी से डी आ रहा है, ये करंट हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं, तो कैसे अप्लाई होता है रूल, तो यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल के जरिए, तो ये हमारा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा करंट है, तो थंब कहाँ पे इंडिकेट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेशन थंब का हो रहा है, मतलब यहाँ पे सी डी पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सी डी पे फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सी डी कहाँ जाएगा, ऊपर घूमेगा, और ए बी कहाँ जाएगा, नीचे घूमेगा, क्योंकि ए बी पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सी डी पे जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सी डी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग में, द कॉइल एंड एक्सेल ओके माउंटेड थ्री टू टर्न अलोंग एंड
axis. Okay, thus the coil and axle mounted to turn free are rotated in anti-clockwise direction. क्या होगा? Anti-clockwise direction में वो क्या करेगा? Rotate करेगा. क्योंकि क्या होगा, यहां पे जो ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहाँ पे करंट एबी में ऐसे पास हो रहा है और सीडी में ऐसे पास हो रहा है, ठीक है. तो जो हमारा कॉइल है वो कॉइल पे क्या हो रहा है, इसी प्रकार हो रहा है, ठीक है, कि ये हमारा ए बी और सीडी है, ठीक है. अब ए बी है, इस पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरह लग रहा है फोर्स, तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा. और इस पे फोर्स कहां पे लग रहा है, अपवर्ड, तो ये कहां जाएगा, ऊपर. मतलब ये जो कॉइल है, यहां पे नीचे फोर्स लग रहा है ए बी पे, सी डी पे ऊपर, तो ये कॉइल कैसे होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है वो रोटेट होगा, ठीक है. कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. और फोर्स कैसे लगता है वो हमने देखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ए बी के पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है. जो करंट है वो ए टू बी जा रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन इनर है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड होगा. अब सी डी में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब करंट कहाँ पे आ रहा है, सी से डी बाहर आ रहा है, मतलब फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. मतलब सी डी पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. दैट्स व्हाई दिस कॉइल इज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. ये जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, ठीक है. अब एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगी है तो इसे क्या होगा कि जैसे हाफ रोटेशन होगा तो सी डी है वो यहां पे आ जाएगा, ए बी यहां पे चला जाएगा, ठीक है. तो फिर से ये जो चीज है वो चीज कैसे हो जाएगी, ठीक है, यहां पे जो था इसकी जगह अब क्या हो जाएगा, हम यहां पे ड्रॉ करते हैं दूसरा यहां पे, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा कॉइल हुआ, ठीक है. अब ये जो कॉइल है उसने हाफ रोटेशन कर लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ए बी यहां पे आ जाएगा और सी डी है वो यहां पे आ जाएगा. और यहां पे जो एक्सेल है, अब यहां पे स्प्लिट रिंग थी, मतलब स्प्लिट रिंग की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, यहां पे स्प्लिट रिंग है, मतलब यहां पे क्यू आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि वो कॉइल के साथ अटैच है. पी है वो ए बी के साथ अटैच है और क्यू है वो सी डी के साथ अटैच है, ठीक है. पर हमारा ब्रश है फिक्स है, मतलब अब एक्स जो है वो क्यू के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वाई है वो पी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. जो ये कनेक्शन है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद. तो क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद, द हाफ एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स ए कॉन्टेक्ट विथ ए ब्रश एक्स के एंड पी विथ ब्रश वाई, therefore current in the path is get reverse. Okay, kya hoga, at half rotation pehle yahan pe kya tha, p hai wo x ke sath connect tha aur q hai wo y ke sath connect tha. Ab half rotation pe ye kya ho jayega, ulta, at half rotation the split ring q r in contact with brush x and okay, p is in contact with y. ये कॉन्टेक्ट रिवर्स हो जाएगा, जो P है वो X के साथ कनेक्ट था, वो P है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा, Q है वो X के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे कनेक्ट होने से क्या होगा, The coil get reverse flow of a current. Okay, so coil get reverse flow of current C D B A. करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी तो है वो एक्स के साथ कनेक्टेड है, तो बैटरी एक्स को ही
करंट देगी तो एक्स को करंट देगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पे जाएगा तो करंट कैसे जाएगा, डी टू सी, सी टू बी, देन बी टू ए, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, अभी रिवर्स डायरेक्शन हो गई। हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है वो ए बी सी डी फ्लो रहा था, वो करंट अभी डी सी बी ए फ्लो होने लगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। तो यहां पे अब करंट रिवर्स होगा तो अब फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम रहेगा, नॉर्थ से साउथ उसमें चेंज नहीं है, अब सीडी पे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और बीए में करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें चेंज क्या आया, अभी सीडी जो है, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही है, अब सीडी जो है, ठीक है, अब सीडी में करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये सीडी में करंट फ्लो हो रहा है, तब हम फाइंड करेंगे फोर्स कैसे लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये करंट हुआ, अब फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो पहले यहाँ पे सीडी में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, अब यहाँ पे सीडी में क्या फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सीडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो पहले सीडी पे कहाँ था, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, अब एबी पे क्या होगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब करंट है वो बी टू ए ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं तो ऐसे होगा, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो ये भी आर्म है जो फोर्स है अपवर्ड, जो पहले कैसे लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, वो फोर्स कहाँ पे हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो पहले ऐसे हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ था, क्योंकि सीडी पे अपवर्ड है तो सीडी ऊपर जा रहा था और ए बी नीचे आ रहा था, अब हाफ रोटेशन के बाद अब सीडी पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, मतलब सीडी नीचे जाएगा, और एबी पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड, मतलब एबी ऊपर जाएगा। तो वंस अगेन ये क्या करेंगे, हाफ रोटेशन कंप्लीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट हाफ है वो ऐसे रोटेट होगा और सेकंड हाफ है वो ऐसे रोटेट होगा, तो कंप्लीट करके पूरा रोटेशन है वो कॉइल है वो कंप्लीट कर लेंगी, तो एक्सएल भी है वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। तो क्या होगा, रिवर्स द करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द टू आर्म ए बी एंड सी डी, ठीक है, द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, सो नाउ द फोर्स ऑन आर्म सी डी इज इन डाउनवर्ड एंड ऑन आर्म ए बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो फोर्स होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पहले ए बी सी डी थी, अब करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए हो गया, तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा, तो ए बी पे डाउन लग रहा था और सी डी पे अप लग रहा था, वो यहाँ पे सी डी पे डाउन हो गया और ए बी पे अप हो गया, तो वंस अगेन ये क्या होगा, इट कंप्लीट द हाफ रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन, ओके, सो कॉइल कंप्लीट हाफ रोटेशन इन सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उनका हाफ रोटेशन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कॉइल है उसका एक रोटेशन पूरा हुआ, तो एक्सेल हुआ, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो कंटिन्यूस कॉइल रोटेट होगी और कॉइल के साथ एक्सेल रोटेट होगी और एक्सेल के साथ जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हम जोड़ेंगे उसको मैकेनिकल एनर्जी है मिलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, इसका वर्किंग हो गया, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज repeated after each half cycle, okay, so continuously the coil and axle are rotated into the same direction, so continuously we can convert electrical energy into mechanical energy, okay,
एंड हियर स्पेशल ये जो स्प्लिटरिंग हमने यूज किया है वो स्प्लिटरिंग को यहां पे बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, सो कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है कि डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ए डिवाइस दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल इज कॉल्ड कम्यूटेटर। हियर स्प्लिटरिंग इज वर्क एज ए कम्यूटेटर, यहां पे जो स्प्लिटरिंग है वो एज ए कम्यूटेटर वर्क कर रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर, ये है इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग हो गया, ठीक है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं वर्किंग को, खास आपको फ्लेमिंग रूल को समझना है कैसे होता है। फिर से एक बार है वो चीज को हम कर लेते हैं, जो मोटर है यहाँ पे नॉर्थ है, ये है वो साउथ है। यहाँ पे हमारी कॉइल हुई ए बी सी और डी। अब ये कॉइल है यहाँ पे हुई, यहाँ पे इनके साथ एक्सएल ने हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने दो स्प्लिट रिंग लगाया है, ठीक है, पी एन क्यू। इनके साथ हमने यहाँ पे ब्रश लगाया है एक्स और वाई, और ये जो ब्रश है उनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अब पहले साइकिल में क्या होता है, करंट इज फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन वो क्या है, ए बी सी डी। करंट की डायरेक्शन क्या है, ए बी सी डी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। तो आर्म ए बी है उस पर फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अब ए बी है वो ऐसे कॉइल है, ठीक है, जहां पे करंट जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये करंट हुआ, तो फोर्स वुड बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो ए बी पे फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे जो सी डी है, ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट फ्लो फ्रॉम सी टू डी, मतलब ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते, तो फोर्स वुड बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो सी डी पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पे सी डी है वो ऊपर जाएगा और ये ए बी है वो नीचे जाएगा, मतलब क्या होगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, क्या होगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा। अब फिर से यहां पे क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद अरेंजमेंट बदल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये हमारा हो गया डी सी बी ए, क्योंकि ये कॉइल थी वो ऐसे थी, अब कैसे हो गई, ऐसे हो गई, मतलब ए बी था वहां पे सी डी आ गया, और सी डी था वहां पे ए बी हो गया, और यहाँ पे हमारा एक्सएल है, और ये जो स्प्लिट रिंग है, अब इसमें क्या हुआ, क्यू है वो इधर आ गया और पी इधर चला गया, तो यहाँ पे एक्स और वाई तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं है। अब यहाँ पे कनेक्शन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हुई, करंट की डायरेक्शन अब है सी बी ए डी, मतलब करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में था, उसमें कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब सी डी पे हम देखते हैं, तो फोर्स कैसे लगता है सी डी पे, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सी डी है वो ऐसे है, करंट पास हो रहा, अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, थंब इंडिकेट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे सी डी पे जो फोर्स लगेगा वो अब कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। और ये ए बी जो है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये हमारा ए बी हुआ, अब यहाँ पे रूल अप्लाई करें तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ए बी पे अभी फोर्स लगा वो कहाँ लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब सी डी कहाँ जाएगा, नीचे, और ए बी कहाँ जाएगा, अप, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हाफ रोटेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे,
हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ कि ये हमारा ए बी था, यहां पे हमारा सी डी था। ठीक है, यहां पे ए बी और सी डी था। अब इसने क्या किया, हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट किया। एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन कंप्लीट किया तो यहां पे क्या आ गया, सी डी आ गया, यहां पे क्या आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, अब यहां पे पहले फोर्स क्या लग रहा था, सी डी है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था और ए बी है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसलिए उसने रोटेशन कैसे कंप्लीट किया, एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन उसने कंप्लीट किया। अब क्या है, अब सी डी है उसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ए बी है उसमें अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वापस क्या होगा, सी डी आएगा और ए बी ऊपर जाएगा तो वंस अगेन हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा और वंस अगेन यहां पे सी डी आ जाएगा और यहां पे ए बी आ जाएगा फिर से वापस। ठीक है, और फिर से वापस आएगा, फिर से यहां पे सी डी पे फोर्स है वो अप हो जाएगा, ए बी पे फोर्स डाउन हो जाएगा, वंस अगेन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन होगा, वंस अगेन यहां पे सी डी आएगा, यहां पे ए बी जाएगा, यहां पे फोर्स डाउन है, यहां पे फोर्स अप है, तो ये रोटेट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूसली जो कॉइल है ए बी सी डी है, इट्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, कंटिन्यूसली वो कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनके साथ जो एक्सल कनेक्ट किया है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, तो उससे कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट जरूरी है, इसलिए यहाँ पे आफ्टर हाफ रोटेशन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एवरी हाफ रोटेशन हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने स्पेशल स्प्लिट रिंग का अरेंजमेंट किया है। अगर ये हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले यहाँ पे हुआ कि भाई ए बी पे फोर्स डाउन लग रहा था, पे अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे तो ए बी है उसमें अप फोर्स लगेगा, इसमें डाउन, तो कंटिन्यूसली जो हमारा कॉइल है वो ऐसे 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 घूमेगा, पूरा रोटेशन होगा ही नहीं। तो पूरा रोटेशन नहीं होगा तो एक्सल रोटेट नहीं होगा, एक्सल भी ऐसे घूमेगा, तो वी शुड नॉट गेट द मैकेनिकल एनर्जी। हमें क्या करना है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या आइदर क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के लिए, दैट्स व्हाई हियर देयर इज अ नीड ऑफ चेंज द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज करना जरूरी हो जाता है। दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग द स्प्लिट रिंग पीक्यू, जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो जो स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन है एक्स और वाई के साथ चेंज होता रहता कंटिन्यू, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है। और यहाँ पे हमने बैटरी ऐसे लिया था, अगर वो बैटरी है वो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये जो ए बी सी डी है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता था। तो आइदर वी आर गेटिंग क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बट ईच हाफ साइकिल वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो दैट वी कैन रोटेट द कॉइल इन ए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली एंड वी कैन जनरेट द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर। तो कॉमर्शियल यूज जो हम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें क्या होता है, वर्किंग तो ऐसे ही होता है, अरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने जो मैग्नेट लिया वो हमने परमानेंट मैग्नेट बोला कि वो परमानेंट मैग्नेट है, पर हमें हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चाहिए। तो जो कॉमर्शियल मोटर होता है जो हम डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जब उनका पावर सप्लाई ऑन होता है तो मैग्नेट बन जाता है, जब पावर सप्लाई नहीं है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक टाइप के हॉर्स मैग्नेट है उनको यूज करेंगे। और जो कॉइल, यहाँ पे हमने सिंगल कॉपर वायल कॉइल बताई, तो हमें सिंगल कॉपर वायल कॉइल नहीं चाहिए, पर हमें ज्यादा है वो टर्न वाली, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न वाली कॉपर वायल, मतलब हमें आर्मेचर गुचड़ा जैसा चाहिए हमें, ठीक है, इनके अंदर रोटेट हो सके, तो जिसके जरिए हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सल को रोटेट करने के लिए। और एज पर द नीड हम बाहर से पावर सप्लाई करेंगे, जैसे आप मोटर पे देखते हैं तो उसमें हॉर्स पावर लिखा होता है, जितने हॉर्स पावर्स की मोटर है उतना हॉर्स पावर हम बाहर से सप्लाई करते हैं। और जो आर्मेचर है, कॉइल है, जो नंबर ऑफ टर्न से बना हुआ है, इनके साथ एक्सल को जोड़ देते हैं, ठीक है, और वो एक्सल के साथ जो भी हमें चलाना है वो चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम
फैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फैन में वही होता है, फैन के अंदर ऐसा आर्मेचर होता है, कॉइल होता है, वो कॉइल है वो मैग्नेट के इनसाइड होता है, ठीक है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कॉइल है उसमें करंट पास होता है, और करंट पास होता है और मैग्नेट है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है जिसके जरिए वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होता है, और जो कॉइल है वो हाफ साइकिल रोटेट करती है। वंस अगेन करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, वंस अगेन वो सेम डायरेक्शन में हाफ साइकिल रोटेट करती है, और कंटिन्यूसली वो जो एक्सेल है वो रोटेशन होगा, एक्सेल के साथ हमारी फैन की जो ब्लेड है वो जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई फैन इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली। सो इट्स एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो वहां पे इलेक्ट्रिक मैटर ही जुड़ी हुई है फैन में। ऐसे बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहा है जहां पे हम ये मोटर का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने वर्किंग को देखा, समझने की कोशिश की, और फ्लेमिंग लेफ्टिनेंट रूल को वहां पे अप्लाई किया, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।